का जो है गरीबी स्थिति आप लोगों को ऐसे उतना पता नहीं है, क्योंकि हम लोग इतना हम लोग मतलब कि खुश रहते हैं ना, दूसरे को लगता है कि मतलब ये लोग को क्या गम है, ऐसे वैसे बहुत बात बोलते हैं, जो कि हम लोग खुश तो बाहर से रहते हैं भाई, लेकिन जो है अंदर से खुश नहीं रहते हैं हम लोग। जब भी वीडियो बनाते हैं ना थोड़ा सोचते हैं कि रोज का रोज क्या दुखियों के बनाएंगे वीडियो के साथ। तो गाइस देख सकते हैं आज हम आरती जी का ब्लॉग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। गाइस आप कैसे हैं, आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी दुआ से हम भी बहुत ही स्वस्थ और मस्त हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मोनू और आरती जी जो है ना अपना पूरी लाइफ की लाइन जो है ना पूरी लाइफ लाइन बता रहे हैं। तो देख सकते हैं मोनू को और आरती जी को बहुत ही लोग कमेंट करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, इन लोगों को तो ऐसा लगता है कि कोई दुखी नहीं, पर वो लोग अपनी यहाँ सच्चाई बता रहे हैं कि हम लोग बहुत दुखी हैं, अंदर से हम बहुत दुखी रहते हैं और बाहर से थोड़ा सा खुश। तो देख सकते हैं कि बाहर से इसलिए दिखाने के लिए कहते ब्लॉग बनाने के लिए, लोगों को ये ना लगे कि हम लोग दिखावा कर रहे हैं, तो इसलिए वो ब्लॉग में हमेशा खुश नज़र आते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से वो लोग ऐसे ही खुशी जो है ना झूठी जाहिर करते हैं बाहर। तो गाइस प्लीज़ आप लोग उन्हें सपोर्ट करिए, वो लोग जिस गरीबी से निकल के आज फिर से आए हैं बाहर। तो देख सकते हैं उन्हें लोग गंदे गंदे से कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि मोनू आरती जो है ऐसे हैं वैसे हैं। प्लीज़ आप लोग उन्हें सपोर्ट करिए और वीडियो बने रहिएगा, हम आपको आगे दिखाते हैं और वीडियो को बिना स्किप कर देंगे। गाइस तो मोनू और आरती जी की क्या सच्चाई है हम इस वीडियो में आपको पूरी दिखाएंगे, गाइस तो बने रहिएगा। सो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तो जब लास्ट तक देखिएगा तब ये सुनाई देगा, नहीं तो बात जो है ना अंतिम में बताएंगे, अभी नहीं। तो आप लोग बने रहिएगा, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि जो है ना ये भी हमको उतना नहीं बताया है, इसीलिए बोल रहे हैं। आदमी का सबसे बड़ा होना चाहिए दिल, ठीक है, घर कैसे भी रहे घर चलाने वाला होना चाहिए सही और दिल अच्छा होना चाहिए। मतलब ये लोग को क्या गम है, ऐसे वैसे बहुत बात बोलते हैं, जो कि हम लोग खुश तो बाहर से रहते हैं भाई, लेकिन जो है अंदर से खुश नहीं रहते हैं हम लोग। जब भी वीडियो बनाते हैं ना थोड़ा सोचते हैं कि रोज का रोज क्या दुखी होके बनाएंगे, क्या ऐसे तो अगर जो रोज दुखी होके बनाएंगे तो सब फिर भी गलत कमेंट करेगा, बोलेगा नाटक करते हैं ऐसे वैसे बहुत बात बोलेंगे, लेकिन अगर जो रियलिटी आप लोगों को पता चलेगा हम लोग का सच्चाई तो आप लोग को भी शॉक लग जाएगा। तो ये घर जो देख रहे हैं ना, वो मकान का जो थोड़ा वो दिख रहा है, वो जो है हम छोटे छोटे थे ना, जब छोटे छोटे थे तब ये बना था, सात आठ साल का थे तभी ये, और ज़मीन तो हमारे पास तभी बहुत था जब हम छोटे छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे सब बिक गया। कोई मतलब मजबूरी आया, कोई नहीं थे तभी कमाने वाला, नहीं थे पापा अकेले थे, मेरा भाई था तो वो मतलब अलगे हो गया था शादी होने के बाद, तभी हम लोग छोटे थे 10 साल के करीबन हो गए थे ना, तब भाई का शादी हुआ था तो अलग हो गया था, इसीलिए पापा अकेले पड़ गए, तो अब दो बहन का शादी करना पड़ा, तो धीरे धीरे अपना जमीन बिक गया था। अभी सिर्फ हम लोग को जो है रहने के लिए सिर्फ इतना ही जगह बचा है, सिर्फ घर में जितना है, जितना मतलब घर का जमीन है उतने ठो बचा है बस, बाकी नहीं बचा है हम लोग का। खैर कोई बात नहीं, नहीं बचा है तो जैसे हम लोग को होता है वैसे जीवन यापन अभी भी कर रहे हैं। तब और वीडियो बनाते हैं हम लोग तो बहुत सारा आदमी बोलते हैं ये क्या रोज के रोज वीडियो बनाने लगा है, क्या नाटक खोल दिया ये लोग हैं, लेकिन भाई आप जो है एक ही सहारा यही है हम लोगों का, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हम लोगों को। ये भी बाहर नहीं जाते हैं, अभी भी इतना लफड़ा, एक तो वो लफड़ा हो गया फिर दूसरा ये हो गया, नहीं बाहर जा सकते हैं, बाहर में भी कितना इनकम था, खर्चा कितना है, तो बताइए आप लोग कैसे करेंगे, नहीं करेंगे क्या कर सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जो बीत गई तो बीत गई बात, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए आगे और आगे बढ़ाइए। बस जितना भी है यूट्यूब फैमिली सबको हमारे तरफ से जो है और हमारे तरफ से प्रणाम है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यही बात बताने वाले थे आप लोगों को, लेकिन जो है बहुत सारा आदमी गलत कमेंट करने लगता है, उसको हम यही बोलेंगे कि भाई गलत कमेंट ना कीजिए आप लोग। तो वीडियो को लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। सो गाइस आपने देखा कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो में बहुत लोगों ने बताया आरती और मोनू को कि ऐसे है वैसे है,
देख सकते हैं मोनू और आरती ने आज पूरी अपनी सच्चाई दिखाई कि किस प्रकार से वो गरीब थे, वो बाहर रहते थे, इसलिए वो बाहर रहते थे क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हुआ रहते थे, उन्हें खाने पीने से लेकर पहनने उड़ने तक दिक्कत होती थी, तो वो शहर से बाहर जाके काम करते थे गाइज, तो वो लोग बाहर काम करते थे और अपने घर पर नहीं रहते। अभी हाल ही में जब उनके भाई ख़त्म हो गए ना, तो वो आए अपने घर, तब से वो आरती से जब शादी हो गई तो वो अपने घर पे ही रहने लगे, इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। बस आज के लिए इतना ही गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अच्छे से शेयर करिएगा गाइस। आप लोग अपना ख्याल रखना, बस आज के लिए इतना ही, टाटा एंड बाय।